बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू एसटी आइडल किचन। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, और आप देख रहे हैं एसटी आइडल किचन। तो जी, एक नई रेसिपी लेके हम आपकी खिदमत में हाज़िर हो चुके हैं। आज की रेसिपी बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही शानदार है। तो जी, आज हम बना रहे हैं बहुत ही क्रिस्पी क्रिस्पी करारी करारी सी निम्को, जिसे छोटे बड़े सारे बहुत ही पसंद करते हैं। ये निम्को बहुत ही मज़ेदार बनती है, बहुत ही टेस्टी बनती है। और इसकी सबसे बड़ी बात ये है कि आप कम क्वांटिटी में, यानी कि आप कम बेसन में ढेरों ढेर निम्को तैयार कर सकते हो, जिसे आप स्टोर करके इजीली पूरे मंथ तक खा सकते हैं। तो फिर क्या करना है आपने, जल्दी से आप मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। तो फिर आए जी, हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। जी, तो मैंने 6 प्याले लिए हैं, जिसमें 3 में मैंने सेम क्वांटिटी में चने लिए हैं। तो मैंने इसकी मेजरमेंट इस कप के हिसाब से की है, यानी कि 1/3 कप। और यहाँ पे मैंने ली है मूंग दाल, चना दाल और दाल मसूर, जिसे पंजाब में मसर भी कहा जाता है। तो जी, इसमें अब पानी ऐड करेंगे। तो अब हम चनों में क्या करेंगे जी, फूड कलर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर पहले मैं ऑरेंज कलर डाल रही हूँ। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे रेड फूड कलर, और इसमें हम डाल देंगे ग्रीन कलर, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे इन्हें। तो इसमें भी हम थोड़ा सा कलर और ऐड कर लेंगे, ताकि इसका कलर भी डार्क हो जाए। तो अब हम इसे रख देंगे ओवरनाइट के लिए, ताकि ये अच्छी तरह से फूल जाए। जी, तो फ्रेंड्स, दालें और चने जो हैं वो रेडी हैं फ्राई होने के लिए। देखिए, मैंने इनका पानी सारा ड्राई कर दिया है, और इनको भी मैंने ड्राई कर लिया है, ज़रा भी नमी नहीं है इसमें, बिल्कुल ड्राई हो चुके हैं। तो जी, नेक्स्ट हम क्या करेंगे जी, तो नेक्स्ट हम एक कढ़ाई लेंगे, और इसमें हम ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। तो जी, इसे हम गर्म होने देंगे, और हम लेंगे इस तरह की एक छन्नी, और इसमें हम ये डाल देंगे चने। लेकिन अभी हम ऑयल को गर्म होने देंगे, फिर हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। तो इसको हम करते हैं साइड पे। तो जी, अब इसी प्याले के अंदर हम टिश्यू पेपर को बिछा लेंगे, ताकि हम चने फ्राई करें तो इजीली हम इसमें निकाल सकें। मैंने इस तरह से टिश्यू पेपर को बिछा दिया इसके अंदर। तो फ्लेम थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, यानी कि जो फ्लेम है मैंने यहाँ पे मीडियम टू हाई कर दिया है, ताकि ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए, और हाई फ्लेम पर ही हम इसको कुक करेंगे जी। तो ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम क्या करेंगे जी, हम ये वाले चने जो हमने इसमें डाले थे, हम इसके अंदर यूँ डिप कर देंगे, और इसको छोड़ देंगे। इसको हम अच्छी तरह से फ्राई होने देंगे, और इसकी निशानी क्या है फ्राई होने की, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आपने बस इसको इस तरह से इसमें डिप कर देना है, और ऑयल आपने इतना लेना है कि जो चने हैं वो सारे के सारे अंदर डिप होने चाहिए। अगर आपको लगे कि ये बर्तन ज़्यादा डीप है, तो आप जो कम डीप बर्तन है तो उसको यूज़ कर लें, ताकि उसमें ज़्यादा ऑयल आ जाए, और चने जो हैं वो आसानी के साथ फ्राई हो जाएँ। तो जिस साथ साथ इसको हम हिलाते रहेंगे इस तरह से, और इसके कुक होने की निशानी, यानी कि इसके फ्राई होने की निशानी ये होगी कि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हो जाएंगे। और इसमें जब मैं हिलाऊंगी, अभी मैं आपको दिखाती हूँ एक चीज़ कि इसको मैं चला रही हूँ तो आपको छनछन की आवाज़ नहीं आ रही होगी, लेकिन जब ये फ्राई हो जाएंगे तो इसमें छनछन की आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे जो चने हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अभी हम इसको इसी तरह से छोड़ देते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, आपने क्या करना है, आपने एक प्लेट लेनी है और यूँ इसके ऊपर रख देनी है, क्योंकि जब ये फ्राई होते हैं तो फ्राई होने के दौरान ये बहुत ज़्यादा उछलते हैं, और उछल के आपको कोई नुकसान ना हो जाए, इसलिए आपने इसको कवर कर देना है जी। तो अब इसे हम चेक कर लेंगे। तो आप ये देखें, आपको इसमें से छनछन की आवाज़ आ रही होगी, और ये जो आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, ये उछलने के दौरान इसमें गिर गए थे, तो हम इसको भी निकाल लेंगे। तो जी, आपको चेक करवाती हूँ, ये देखें इसमें से किस तरह से छनछन की आवाज़ आ रही है। तो ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, तो इसको अच्छी तरह से हम इसमें से जो ऑयल है उसको निचोड़ लेंगे, इसको हिलाएंगे ताकि जितना भी ऑयल है वो रिलीज़ हो जाए। चले जी, इसको हम निकालते हैं। तो अब जो नेक्स्ट है वो हम डाल देंगे इसमें, और इसको डालने के दौरान ही हमने इसको कवर कर देना है, क्योंकि ये बहुत जल्द उछलना शुरू हो जाते हैं। फ्लेम को यहाँ पर मैं लो कर रही हूँ, ताकि ये जले ना जी। तो ये उछलना बंद हो गए हैं, कवर को हम हटा देंगे, और इसे हम चेक कर लेते हैं। तो देखें, ये भी जो है क्रिस्पी हो चुके हैं, निकाल लेते हैं इनको भी हम। लेकिन इसका ऑयल जो है वो अच्छी तरह से हम रिलीज़ कर लेंगे, अच्छी तरह से हम छान लेंगे, ताकि जितना भी ऑयल है इसमें से निकल जाए। और इसको जब हमने प्लेट में निकालना है, तो लाजमी तौर पर हमने टिश्यू पेपर बिछाना है, या फिर आप किचन टावल जो होता है उसको भी बिछा सकते हैं जी। अब इसे हम डाल देंगे, यहाँ पर फ्लेम मैंने बिल्कुल लो कर दिया है, तो अभी मैं इसको बढ़ा दूंगी, फ्लेम को मैं हाई कर दूंगी, लेकिन अभी ये थोड़े से हो जाए, क्योंकि
क्योंकि बहुत ज़्यादा उछल रहे हैं, इसलिए मैंने फ्लेम थोड़ा लो कर दिया है। और इसी तरह से हम जो दालें हैं उनको भी फ्राई कर लेंगे, तो सेम यही मेथड होगा दालों का भी, जैसे मैंने चने को फ्राई किया है। तो दाल मूंग को भी हम यूं ही फ्राई कर लेंगे, लेकिन हम जो है फ्लेम थोड़ा सा लो कर देंगे ताकि जो इसकी छींटे हैं उठे ना, क्योंकि इसमें थोड़ी सी नमी है, तो नमी होगी तो लाजमी तौर पे छींटे उठेंगी। तो जी देखिए हमारी जो दाल मूंग है ये भी रेडी हो चुकी है, माशाल्लाह इसका कलर आप चेक करें, और ये देखें आवाज़ कितनी आ रही है। फ्लेम मैंने यहाँ पे बंद कर दिया है। ठीक है जी, अब इसको भी हम निकाल लेते हैं। सारा ऑयल जो है मैंने इसका रिलीज़ कर दिया है, लेकिन फिर भी एक मरतबा हम इसको यूँ छाँट लेते हैं जी। तो अगर आपके पास इस तरह की छन्नी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप जो दालें हैं इसी तरह से फ्राई कर लें, ऑयल के अंदर डालें और फिर उसको निकाल लें किसी भी चम्मच से, जो जिसके साथ हम चावल बनाते हैं उस चम्मच से निकाल लें, तो बहुत आसान है ये, कोई मुश्किल नहीं है जी। तो देखिए हमारे क्रिस्पी क्रिस्पी चने और दालें जो है वो रेडी हो चुकी हैं, इनको मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो जी अब हम करेंगे इनको साइड पे और अगला स्टेप शुरू करेंगे जी। तो नेक्स्ट हम सेवैयां बनाने के लिए लेंगे 2 कप बेसन, और बेसन के अंदर हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरा, अजवाइन 1 टीस्पून, 1/2 कप कुकिंग ऑयल। याद रखिए कि मैंने 2 कप बेसन लिया है और 1/2 कप इसमें मैं कुकिंग ऑयल का डाल रही हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे जी। तो मिक्स कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसमें नमक ऐड कर देंगे 1 टीस्पून, और साथ ही इसमें हम हसबे ज़रूरत पानी ऐड करेंगे, तो पानी हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे। तो इसको हम हाथों से ही मिक्स करेंगे, हमने इसका गाढ़ा सा एक पेस्ट बनाना है। थोड़ा थोड़ा करके हम पानी ऐड करते जाएंगे। ये थोड़ा सा बेसन गिर गया है, इसको मैं साइड पे कर देती हूँ जी। तो अब थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे हम। याद रखें कि आपने पानी जो है वो थोड़ा थोड़ा करके ऐड करना है, एकदम से आपने ऐड नहीं कर लेना, वरना आपका ये जो बैटर है ख़राब हो सकता है। तो इसको हमने हाथों से ही फ्लफ़ी बनाना है, इसके लिए हमने कोई स्पैचुला, कोई चमचा, कोई मिक्सर वगैरह यूज़ नहीं करना। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं जी। तो तकरीबन इसमें 1/2 कप पानी लग गया है, क्योंकि 2 कप बेसन है, 1/2 कप इसमें मैंने ऑयल का डाला है और 1/2 कप मैंने इसमें पानी का डाला है। तो हाथों से इसको मिक्स करने का मकसद ये होता है कि जब हम सेवैयां निकालें तो वो बहुत स्मूथली निकलें और बैटर हमारा बहुत स्मूथ होना चाहिए जी। तो तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं, ये रेडी है। आपको मैं इसकी कंसिस्टेंसी चेक करवाती हूँ कि हमने इसको किस तरह से रखना है। ये देखें कि जब आप हाथ पे पकड़ेंगे तो ये इस तरह से होना चाहिए, यानी कि ये देखें किस तरह से ये स्मूथ है, और ना तो ये नीचे गिर रहा है, ये देखें ज़रा कितना ये स्मूथ है और कितना बेहतरीन है, परफेक्ट है ये बिल्कुल, ना पतला है ना गाढ़ा है। तो अब हम क्या करेंगे जी, इसको सबको हम इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे और अपने हाथों से भी इसको रिमूव कर लेंगे जी। तो ये बिल्कुल रेडी है, तो अब हम करेंगे इसको साइड पे और आपको दिखाती हूँ कि हम सेवैयां किस में से निकालेंगे। तो इसको हम साइड पे करते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे निम को मेकर लिया है, और इसके जो कटर हैं यानी कि इसके जो ब्लेड हैं वो भी आपको चेक करवाती हूँ मैं। ये देखें, ये मोटी सेवैयां निकालने के लिए, ये उससे ज़रा थोड़ी कम, ये बारीक के लिए, और ये पापड़ी के लिए, और ये जो है ये गाठिया जो होता है उसके लिए है, और जो इसके अंदर लगा हुआ है इसमें भी हम बारीक सेवैयां निकालेंगे। तो इसको यूँ हम ऊपर से खोल के इसके कटर चेंज कर सकते हैं बहुत इजीली, और यहाँ से दिखाती हूँ आपको इसको हम, ये देखें इसे हम खोल के इस तरह से हमने निकाला बाहर, और बहुत ईजीली ये इसको हम यूज़ कर सकते हैं। हम क्या करेंगे जी, सबसे पहले हमारा ये जो फर्स्ट सेवैयां बनाने वाला कटर है इसको हम कर लेंगे हल्का सा ग्रीस। तो ग्रीस करना भी बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी सेवैयां बहुत अच्छे से निकल सकें। तो अब हम ये लगा देंगे, ये दोनों साइडें एक जैसी हैं, आप जहाँ पे चाहे मर्जी इसको लगा दें। तो इसको हम इधर लगाएंगे जी। ये लगाने के बाद हम क्या करेंगे, हम इसको अंदर से थोड़ा सा ग्रीस कर लेंगे ताकि हम जब इसके अंदर बैटर डालें तो वो बहुत अच्छे से, बहुत स्मूथली से बाहर निकले। इसको ग्रीस कर लेने के बाद हल्का सा हम इसको भी ग्रीस कर लेंगे, और यहाँ पे भी हम थोड़ा सा ब्रश कर देंगे। इसको हम घुमा के इस तरह से ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। अब हम क्या करेंगे जी, हम लेंगे अपना थोड़ा सा बैटर और हाथों पे हम लगाएंगे ऑयल। तो ऑयल लगाना ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इसको निकालेंगे तो ये बहुत ईजीली हमारे हाथों पर लग जाएगा, चिपकेगा नहीं। इस तरह से आपने इसको पकड़ना है, और ये देखें यूँ इसका आपने एक पेड़ा सा बना लेना है इस तरह से। तो अब हम क्या करेंगे जी, हम इसके अंदर यूँ इसे डाल देंगे। डाल देने के बाद इसको हम ऊपर से बंद करेंगे,
तो अब हम सेवैया निकालेंगे। तो हम जो है क्या करेंगे, कढ़ाई लेंगे जी। तो मैंने ऑयल को रख दिया है गैस पे, ये वही ऑयल है जिसमें हमने चने और दाल फ्राई किया है। तो अब इसमें हम सेवैया फ्राई करेंगे, लेकिन सेवैया फ्राई करने से पहले आपको एक बात याद रखना होगी कि आपने फ्लेम जो है यहाँ पे लो रखना है, यानी कि मीडियम टू लो फ्लेम पे हम इसको बनाएंगे। अगर हम इसको हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो हमारी सेवैया बहुत जल्द जल जाएंगी, और हमने इसको जलाना नहीं है, तो हमने इसको बहुत परफेक्टली कुक करना है। तो जी अब हम सेवैया निकालते हैं, ऑयल गर्म हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आपको बताती हूँ, बहुत इजीली ये बन जाती हैं। तो ये देखें, आपको नज़र आ रही होंगी, इसी तरह से हम इसको निकालेंगे। तो ये देखिए, बहुत इजीली स्मूथली ये निकल रही हैं, तो बहुत ही आसानी के साथ ये बन जाएंगी। इसको हम अभी हिलाएंगे नहीं, क्योंकि ये नीचे से कुक हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। ये बहुत जल्द बन जाती हैं, तकरीबन 2 से 3 मिनट लगते हैं इसको कुक होने में, क्योंकि आपको पता है कि जब चीज़ कोई बारीक हो जाती है तो जब हम उसको गैस पे रखते हैं तो वो बहुत जल्दी कुक हो जाती है। तो ये हमारी सेवैयाँ भी इंशाल्लाह बहुत जल्द कुक हो जाएंगी। तो तकरीबन 1.5 मिनट हम इसको नीचे वाली साइड से देंगे और 1.5 मिनट हम इसको ऊपर वाली साइड से देंगे। 3 मिनट में, 3 या 4 मिनट में ये कुक हो जाएंगी जी। तो अब इसकी हम साइड चेंज कर लेंगे, तो बहुत इजीली ये देखिए चेंज हो जाएगी इसकी साइड। इस तरह से हम यूँ उसको उल्टा देंगे। तो अब इस साइड को भी हम तकरीबन 1.5 से 2 मिनट तक कुक करेंगे। तो जब तक ये होंगी, हम क्या करते हैं जी, जो अगली हमारी सेवैयाँ हमने निकालनी है, हम इसका कटर चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये वाला मोटे वाला ब्लेड लगा रही हूँ अब। बस तो लगाने से पहले इसको ग्रीस करना बहुत ज़रूरी है जी। तो सेवैयाँ हमारी अच्छी तरह से कुक हो चुकी हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो ये काम हमने जल्दी जल्दी से करना है, ताकि जो नीचे सेवैयाँ रह गई हैं वो कहीं जल ना जाएं। तो टिश्यू पेपर पे हम इसको निकाल लेंगे जी। तो अब हम मोटे वाली सेवैयाँ निकालेंगे, तो सेम वही प्रोसेस होगा। माशाल्लाह बहुत प्यारी प्यारी खुशबू आ रही है, जैसे कि बहुत क्रंची क्रंची आज हमें मज़ा आने वाला है। साइड इसकी हम कर लेंगे चेंज। तो इसको बनाने में बहुत ही कम टाइम लगता है, क्योंकि ऑयल गर्म होता है जब हम इसमें सेवैयाँ डालते हैं, तो बहुत जल्दी कुक हो जाती हैं, बहुत जल्दी फ्राई हो जाती हैं। और जब हम चने और दाल वगैरह को फ्राई करते हैं तो वो भी बहुत जल्द हो जाते हैं, यानी कि इसमें इतना टाइम नहीं लगता। तो बनाने में ना टाइम लगता है और ना इसको खाने में टाइम लगता है। तो अगर आपने इसको ज़्यादा क्रिस्पी रखना है तो आप क्या करेंगे जी, आप इसको थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लें ताकि ये ज़्यादा क्रिस्पी हो जाए। लेकिन अगर चाहते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाए, लेकिन अगर चाहते हैं कि मुंह में डालते ही घुल जाए, तो फिर आप इसको थोड़ा सा कम फ्राई करें जी। तो अब हम इसे भी निकाल लेते हैं, क्योंकि ये हो चुकी हैं, ज़्यादा टाइम नहीं हम इस पर लगाएंगे, क्योंकि ये अगर हमने ज़्यादा इसको रखा तो जल भी सकती हैं। तो जी अब हम फिर कटर चेंज करेंगे, ये पापड़ी वाला कटर जो है ये मैं लगाऊंगी। चलें जी इसे भी निकाल लेते हैं जी। तो अब हम सबसे बारीक वाली सेवैयाँ निकालेंगे जी। तो इसे भी हम निकाल लेंगे जी। तो सेवैयाँ हमारी जो थी बारीक मोटी पापड़ी वगैरह सारी तैयार हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है जी, हम गाठिया तैयार करेंगे। तो गाठिया तैयार करने के लिए किस तरह से तैयार करना है मैं आपको बताती हूँ जी। तो गाठिया बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम लेंगे 1 कप बेसन, और इसमें ऐड कर देंगे हम 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून अजवाइन, 2 टेबलस्पून ऑयल जाएगा इसमें। तो अब हम इसे गूंद लेंगे, सेम हमने इसको वैसे ही गूंदना है जैसे हमने पहले गूंदा था। तो थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें, अच्छी तरह से हमने इसको गूंदना है, इसमें कोई भी गुठली नहीं होनी चाहिए, ताकि जब हम इसके साथ गाठियाँ को बनाएं तो वो बहुत अच्छी बने। तो गाठिया आपने देखा होगा कि आपको निमकों में मोटी मोटी सी सेवैयाँ मिलती हैं, जिसको गाठिया कहा जाता है। तो बच्चे बड़े शौक से इसको खाते हैं, क्योंकि जो मोटी सेवैयाँ होती हैं मुँह में डालते ही घुल जाती हैं। चले जी ये हो गया है तैयार, अब हम इसको भी डालते हैं निमको मेकर के अंदर जी। तो इसको भी हम ग्रीस करेंगे और इस तरह से हम इसको अंदर फिट कर देंगे इसको। ये देखिए ऑयल लगाएंगे हाथों पे थोड़ा सा, और इसमें से हम बैटर निकाल लेंगे थोड़ा सा, इसको करेंगे हम बंद। जी
जी, तो अब हम चाट मसाला तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमने एक छोटी सी कटोरी ली है, इसमें डाल देंगे हम 1 पिंच टाटरी, 1/2 टीस्पून जीरा, 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च और 1/2 टीस्पून डालेंगे हम इसमें लाल मिर्च पाउडर। इसको हम कर लेंगे मिक्स, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि बहुत अच्छा चाट मसाला तैयार हो। जी तो ये रेडी है, अब इसे करते हैं हम साइड पे। तो देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, हमारी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही टेस्टी नीमको रेडी हो चुकी है जी। अब हमने ये जो चाट मसाला तैयार किया था इस पे हम डाल देंगे, और आप अपने टेस्ट के मुताबिक जितना भी चाट मसाला चाहें तो इसके ऊपर डाल दें आप। बहुत ही ये टेस्टी बनी है, देखिए मैंने इसको कितने अच्छे तरीके से सेट किया है कि देख के ही मुंह में पानी आ रहा है जी। तो फ्रेंड्स देखिए, हमारी बहुत ही मज़ेदार बहुत ही क्रिस्पी निम्को रेडी हो चुकी है, बहुत ही टेस्टी बनी है, बहुत ही जायकेदार बनी है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है, कहीं से भी आप वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो ना देखने की वजह से छूट जाती हैं और रेसिपी अच्छी नहीं बनने पाती। तो फिर जी सबसे लास्ट में आपने क्या करना है जी, आपने करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरी वीडियो को करना है लाइक। तो फिर मिलेंगे आपको एक नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।